हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। जैसा कि ये उम्मीद थी कि गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट टीम के नेक्स्ट हेड कोच बनेंगे ही बनेंगे, और हमने ये पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, और ये खबर बीसीसीआई ने भी कंफर्म कर दी है कि गौतम गंभीर हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडिया। और ये हमको भी पता है कि गौतम गंभीर जितना अग्रेसिव प्लेयर था, जिस तरह से गौतम गंभीर का कोचिंग रोल रहा है आईपीएल में भी, वो ऐसा खिलाड़ी है जो कि टीम में बहुत सारे चेंजेस लेकर आएगा, चाहे उन प्लेयर्स के अगेंस्ट हो जो सिर्फ सिंगल फॉर्मेट खेलते हैं, चाहे उन प्लेयर्स के अगेंस्ट हो जो इंजरी का बहाना करके बैठे रहते हैं। गौतम गंभीर ने एक तो हेड कोच का रोल एक्सेप्ट करने से पहले ही बोल दिया था कि उसको टीम में फ्री हैंड चाहिए, गौतम गंभीर को किसी भी कोई दखल अंदाजी नहीं चाहिए अपने कोचिंग रोल को लेकर। उसके साथ ही गौतम गंभीर ने रखी है कुछ लिस्ट ऑफ डिमांड्स। गौतम गंभीर ने मांग की है कि वो अपना खुद का सपोर्ट स्टाफ लेकर आएंगे, यानी कि जो बैटिंग कोच होगा, जो बॉलिंग कोच होगा, वो भी गौतम गंभीर ही अपॉइंट करेगा। सबसे पहली चीज जो गौतम गंभीर ने कही है, उनका कहना है कि प्लेयर्स को तीनों फॉर्मेट्स खेलने चाहिए। अभी कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो सिर्फ टी20 खेलते हैं, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अपने को वनडे स्पेशलिस्ट मानते हैं, और टेस्ट स्पेशलिस्ट भी कुछ प्लेयर्स हैं। तो गंभीर साहब का कहना है, अगर आप अच्छे खिलाड़ी हो तो आपको तीनों फॉर्मेट खेलना आना चाहिए, एक फॉर्मेट खेलने से नहीं चलेगा। और उन्होंने साफ साफ ये भी बोला है कि दे विल ट्राई टू कन्विंस हार्दिक पांड्या, वो पांड्या से बात करेंगे और कोशिश करेंगे हार्दिक पांड्या को टेस्ट मैचेस में लाने के लिए, क्योंकि क्लियरली पांड्या साहब को टी20 खेलने में बहुत मजा आता है और वनडे से वो भाग जाते हैं, और टेस्ट मैच तो शायद उन्होंने इक्का दुक्का ही खेले। पांड्या जी क्लेम करते हैं कि उनकी इंजरी है जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है, लेकिन गौतम गंभीर के आने के बाद दोस्त थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और हो सकता है पांड्या को हम बहुत जल्दी टेस्ट सेटअप में भी देखें। उसके अलावा जो इंडियन टीम के प्रीवियस फील्डिंग कोच थे टी दिलीप, उनको रिटेन कर लिया गया है राहुल द्रविड़ के सपोर्ट स्टाफ में से। टी दिलीप अभी भी इंडिया के फील्डिंग कोच बने रहेंगे। उनके आने के बाद जो टीम की फील्डिंग में इंप्रूवमेंट आया है, और प्लस वो जो मेडल सेरेमनी होती है टू बूस्ट द मोरल ऑफ द टीम, दैट इज वेरी गुड। सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात यह है, अगर हम खबरों की माने तो गौतम गंभीर ने मांगे हैं दो असिस्टेंट कोच। एक उन्होंने मांगा है अभिषेक नैयर को, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स में उनके साथ कोचिंग रोल पर ही थे। अभिषेक नैयर ने इंडिया के लिए 3 ओडीआई मैचेस भी खेले 2009 में, और उन्होंने मांगा है एक डच प्लेयर जिनका नाम है रियान टोशेड। अब ये दो असिस्टेंट कोच उन्होंने बीसीसीआई से मांगे हैं। अब देखना होगा इनमें से कौन फाइनल होता है, या इनमें से कोई फाइनल होता भी है कि नहीं होता है, क्योंकि जो जो नाम गंभीर साहब ने बीसीसीआई को दिए हैं वो सारे के सारे अंडर कंसिडरेशन है। जो आखिरी नाम गौतम गंभीर ने मांगा है वो है साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज मॉर्ने मॉर्कल। मॉर्कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच भी रह चुके हैं। मॉर्ने मॉर्कल और गौतम गंभीर ने साथ में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए भी काम किया हुआ है। जब 2 साल तक गंभीर लखनऊ की टीम के मेंटोर थे, तो वहां पर उन्होंने मॉर्ने मॉर्कल का काम देखा, और वो चाहते कि वो बॉलिंग कोच के रूप इंडियन टीम के साथ रहे। बॉलिंग कोच के नाम के लिए पहले तो बात हो रही थी कि शायद जहीर खान को लाया जाएगा या लक्ष्मीपति बालाजी को लाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। जो बॉलिंग कोच है उसका जिम्मा मोटा मोटा मिल सकता है मॉर्ने मॉर्कल। तो ये कुछ डिमांड है जो कि गौतम गंभीर ने बीसीसीआई के सामने रखी है एज पर द रिपोर्ट। अब आगे देखते हैं कि कौन कौन नाम फाइनल होते हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि जैसे ही गंभीर साहब इंडियन क्रिकेट टीम के कोच के रूप में कमांड लेंगे, बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिल सकते, क्योंकि गौतम गंभीर एक नो नॉनसेंस पर्सन है। जो उसके दिल में होता है वो उसकी जुबान पे होता है, चाहे वो वर्ल्ड कप में विराट कोहली को क्रिटिसाइज करना हो, या विराट कोहली की तारीफ करना हो, या रोहित शर्मा की तारीफ करना हो, या उनको क्रिटिसाइज करना हो। सो ये बात तो तय है कि जब गंभीर साहब काम करने आएंगे तो जितनी भी डिप्लोमेसी हमको दिखाई देते, जितनी भी बकवास हमको दिखाई देते, जितने प्लेयर्स के साथ बीसीसीआई हल्ला हंगामा कर और उनको बिना मतलब के बाहर कर देते हैं, जैसे कि ईशान किशन, जैसे कि श्रेयस अय्यर, मेरे ख्याल से वो थोड़ा कम हो जाएगा। प्लेयर्स के पास शायद प्रॉपर कम्युनिकेशन भी होगी, और ये एक बहुत अच्छा मौका है यंग क्रिकेटर्स को इंडियन टीम के सेटअप में आने का, क्योंकि अब रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 में नहीं है, तो उनकी जगह रिप्लेस करने के लिए 2 लड़के तो चाहिए, साथ में उनके बैकअप्स भी चाहिए होंगे। तो आई थिंक द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन क्रिकेट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड नाउ, एंड नाउ वी कैन एक्सपेक्ट इंडियन टीम टू विन मोर एंड मोर आईसीसी ट्रॉफीज, क्योंकि उसी का अकाल पड़ा हुआ था पिछले 13-14 सालों से। अब जाके हमें टी20 वर्ल्ड कप जीता है, बहुत मजा आएगा गौतम गंभीर को फिर से स्टैंड्स में देखने के बाद। हम चाहते हैं कि लॉर्ड्स में एक बार फिर से शर्ट निकले, इस बार गौतम गंभीर हो। नमस्ते।